सकते हैं, दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज। पारी की शुरुआत करेंगे मनोज तिवारी के साथ। ये वो जोड़ी है मनोज तिवारी की, बता दे एक अर्धशतक इस टूर्नामेंट में लगा चुके हैं और गेंदबाज के रूप में भी जबरदस्त सफलता ली है। तैयार है गार्ड लेते हुए पैर से 80 रन बनाए हैं जिसमें एक अर्धशतक 48 रन सर्वशेष है, अर्धशतक बनाने से रह गए थे। आज किस तरह से रन बनाएंगे प्रवेश यादव, 222 रन, शतक एकमात्र शतक जो लगा है वो प्रवेश यादव के नाम है। शानदार पारी मिली थी रघु, गेंदबाजी की तैयारी मनोज तिवारी सामने, फ्लैग स्पॉट पे गेंद थी, सम्मान भी दे दिया मनोज तिवारी ने। अगली गेंद जब तक लेकर आए मेरे पास मौका है अपने साथी कमेंटेटर प्रवीण सोनी का परिचय कराने का। प्रवीण, ये जो जद्दोजहद है, जो लड़ाई है, जो फाइनल है, ये इस ट्रॉफी के लिए है। बिल्कुल ठीक है आपने, बहुत बढ़िया माहौल है, आज फाइनल मैच खेला जा रहा है भोजपुरी दबंग्स और तेलुगु वॉरियर्स के बीच में। जैसे कि मनोज ने बताया तेलुगु वॉरियर्स के कप्तान अखिल ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का निर्णय किया है। उन्होंने ये कहा है कि उनकी स्ट्रेटेजी जो है कि वो चेस करके जीतना चाहते हैं और वैसे ही करें ना, सेमीफाइनल में उन्होंने चेस करके जीता था। भोजपुरी दबंग्स आत्मविश्वास से भरी हुई टीम है और अपना खाता खोल चुके हैं। वेंकटेश को देखिए आज वहां पर आए हुए हैं जो टीम के ओनर्स हैं, और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा आज लगता है कि मौसम, आसमान पर काले बादल हैं। मनोज बात कर रहे थे कि बारिश का मौसम है और बारिश थोड़ी सी तेज होती हुई नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं अंपायर को ये फैसला लेना होगा क्या ये बारिश और तेज हो गई तो गेम को रोकना पड़ेगा। दो गेंदें फेंकी जाई हैं पहले ओवर में और सर स्ट्राइक पर हैं प्रवेश यादव, जिन्होंने एक शतक लगाया इस टूर्नामेंट में। ऑप्शन के बाहर गेंद थी, अपील जरूर की वहां पर मगर जोश उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम है। अंपायर भी मुस्कुरा रहे हैं और जैसा कि देखा दर्शक खचाखच मैदान पर भरे हुए हैं। दोनों ही टीम के सपोर्टर्स बहुत बढ़िया तरीके से आज मैदान पर आए हुए हैं और इस मैच ग्रैंड फाइनाले का आनंद उठाते हुए, और दोनों ही टीमें बहुत ही आत्मविश्वास से भरी हुई हैं। और जैसे कि हम जानते हैं तेलुगु वॉरियर्स 3 बार इस टाइटल को जीत चुकी है, भुजबल के लिए ये पहला मौका होगा। हवा में खेला गया स्टोर, फील्डर उसके नीचे आ रहे हैं और वह भी दूर रह गई फील्डर से गेंद, दूसरे के लिए बल्लेबाज पलट कर आ रहे हैं। बारिश थोड़ी सी और तेज होती हुई, अब देखते हैं अंपायर को किस तरह से फैसला लेना होगा। और प्रवेश यादव की बड़ी शुरुआत और खेमे में एक बार खुशी की लहर दौड़ गई है, सब अपनी अपनी छतरियों को निकाल के बैठे हुए हैं क्योंकि बारिश जो है आज इस मैच में खलल डालेगी तो बहुत मजा नहीं आएगा। वेंकटेश देखिए कितने खुश नजर आ रहे हैं, ये टीम के ओनर है तेलुगु वॉरियर्स के और आज अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए मैदान पर पहुंचे हैं। रघु उनके बाहर गेंद, अच्छी गेंद थी उसको, हालांकि बहुत ज्यादा बाउंस नहीं है मनोज आज विकेट के ऊपर, विकेट बिल्कुल सपाट है, वैसे ही खेल रही है जैसे कल खेल रही थी, मगर धीरे धीरे विकेट का जो स्वभाव है वो बदलता हुआ नजर आएगा। बड़े स्कोर देखने को मिले नहीं है इस विकेट के ऊपर, 100 के आसपास की तीन रन बनते हैं तो एक अच्छा विनिंग टोटल हो जाता है। वो मार्क किया है डीप में, फील्डर में फील्ड हुआ है, उसका फायदा जरूर मिलेगा, जहां एक रन होना चाहिए था दूसरा रन भी हो जाएगा। और तो पहले ओवर की समाप्ति, 5 बिना किसी नुकसान के भोजपुरी दबंग।